ये क्या पायल की आवाज आ रही है? ये कोई भूत प्रेत है क्या? वैसे मैं इनसे थोड़ी डरता हूं, अभी मैं तुमको डराता हूं, देखो। हाँ, डर के भाग गई ना, भाग गई भाग गई। ये तो कार की आवाज आ रही है, भूत कार में आ रहा है क्या? भूत कार में कैसे आ सकता है? भूत तो ऐसे भी आ सकता है। एक बार और डरा दूं क्या? मैं आपको पसंद नहीं हूँ, आप ये बात मेरे घर वालों को बता दो ना। रवि कुमार के साथ शादी करके नीम या पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी रहना है। आप मेरे माँ पापा से कह दो कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। भांजे, इतनी रात को ध्यान लगा कर क्यों बैठे हो? आज अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ? मैं दूसरों की तरह एक आम जिंदगी नहीं जी सकता, इसलिए मामा। ये क्या बोल रहे हो तुम? इंसान का मतलब होता है पैदा होना, बड़ा होना, पैसा कमाना, शादी करना, फिर बच्चे होना, फिर बच्चों की शादी देखना, उन बच्चों के दादा बनना, उन बच्चों को रोज स्कूल लेकर जाना, यही एक इंसान की सच्ची जिंदगी होती है मामा। हाँ भांजे, लेकिन मैं जानता हूँ ये सब मुझे नहीं मिलेगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? सही है मामा, हम पैसा कमाते हैं क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अगर एक आम जिंदगी नहीं जी सकते तो ये पैसा किस काम का? तुम कहना क्या चाहते हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, साफ साफ बताओ। मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ। तुम्हारे भरोसे मैंने मलेशिया में लाखों रुपए का प्रोग्राम अरेंज किया है, अचानक काम छोड़ने की बात कर रहे हो तुम? नहीं मामा, ये मलेशिया में मेरा आखिरी शो रहेगा, मैं चैनल वालों को बोल दूंगा। तुम्हारी बात मुझे भी सही लग रही है, मरे हुए लोग और जिंदा लोगों के बीच तुम एक पुल बनकर रहना चाहते थे, लेकिन लोग तुम्हें अच्छा की बजाय गलत समझ रहे हैं। लेकिन एक बात है, तुम्हारे लिए भी कहीं न कहीं एक लड़की जरूर होगी, ऊपर वाले ने जरूर बनाई होगी। हाँ अच्छा, तो आजकल की लड़कियां किसी पापी के साथ जिंदगी गुजारने को तैयार हैं, लेकिन तुझ जैसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहती हैं। देखना ये ऐसे घर में जाएंगी जहाँ इन्हें ससुराल में सिर्फ तकलीफ मिलेगी। टेंशन मत ले यार, तेरे लिए ना मैं सिंगापुर, थाईलैंड या मलेशिया की एक अच्छी लड़की ढूंढकर शादी करवाऊंगा। सॉरी मैं तो भूल गया था, तुझे हिंदुस्तानी लड़की पसंद है। चल कोई बात नहीं, तो फिक्र मत कर, लेकिन एक बात बता देता हूँ, लड़कियों के बारे में सोचते सोचते तो उस चैलेंज के बारे में मत भूलना। जिसका खून हुआ है ये उसकी शर्ट है, जैसा कि मिस्टर कुमार ने कहा था वैसा ये फिनिश हुआ केस है। जिसने ये खून किया था वो अभी तक जेल की सजा काट रहा है। इस खून को किसने किया मिस्टर कुमार, आप ठीक से बताइए। नमस्ते सर, थैंक्स आप यहां पर आए। आपका नाम क्या है? राजेंद्र। राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र। उनका कलर सांवला है, उम्र 55 साल, उनकी हाइट 5 फीट 6 इंच, उनके दाएं हाथ में एक तिल है। मैं जो आपको बता रहा हूं वो सही है? आर यू श्योर 100%? सर, जब उनका मर्डर हुआ था उनको पीछे से किसी ने चाकू घोपकर मार दिया था, ऐसा ही कुछ हुआ था ना? तकरीबन 20 से 25 सेंटीमीटर अंदर उनके दिल तक चाकू घुस गया था। इट्स परफेक्ट सर। आपने जो बताया वो सारी डिटेल्स मैच तो कर रही है। थैंक यू सर, बट फिर भी मैं आप पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकता। जिसने ये खून किया है उसका नाम क्या है बताओ? आपको चाकू किसने मारा था? जाफर। जाफर, जाफर, मोहम्मद जाफर, मोहम्मद जाफर। हेलो जाफर, तुमने डॉक्टर राजेंद्र का खून किया है, ऐसा रवि कुमार बोल रहा है। क्या बोल रहे हो? टीवी में देखो, पता चलेगा। मिस्टर कुमार, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। खूनी का नाम है अप्पू मल। नो, आई एम श्योर
इट्स जाफर। नो नो मिस्टर कुमार, इस केस की अच्छी तरह से तहकीकात करने के बाद पता चला है कि खूनी पप्पू मल है जो अभी भी जेल में सजा काट रहा है। व्हाट इज दिस, अब जाफर कह रहे हो। मिस्टर कुमार एक मिनट, आपके भूत ने जो नाम बताया था वो झूठ था ना? सॉरी सर, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आपको बात करनी चाहिए। खूनी पप्पू मल खून करके जेल के अंदर सजा काट रहा है, लेकिन जिसे कोई नहीं जानता, मीडिया में आपने उसे खूनी बताया है। डॉक्टर राजेंद्र के बारे में जो कुछ बताया वो सच था ना? डॉक्टर राजेंद्र के बारे में आपने जो भी बताया वो सब सही है, लेकिन आपने खूनी का नाम बदल दिया। आपने गलत इंसान को सजा दी, अब मुझे मालूम हो गया। मिस्टर कुमार, हमारी गवर्नमेंट पे जनता शक करे आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। जानते हैं ये कितना बड़ा गुनाह है? आपके ऊपर मैं केस भी फाइल कर सकता हूँ। ये केस सॉल्व होने तक आप इस देश से बाहर नहीं जा सकते। दोस्त, किसी ऐसी जगह घर देखना जहाँ कोई हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। जो खुद अपना घर बनाना चाहेगा वो भी इस तरह की कंडीशन नहीं रखेगा। और तू तो ऐसे मलेशिया महाराज की तरह बोल रहा है जैसे जुबान से ही घर बना लेगा। ज्यादा मत बोल, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर दूँ। क्या तू मुझे काम लगा रहा है भाई? हाँ, अगर हमारा गाँव होता तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर टेंट डाल के अपना घर बना लेते, लेकिन इस देश में हमें छोड़ेंगे नहीं ना, सीधे जेल में डाल देंगे। ठीक है, मेरी पहचान का एक दोस्त है, बात करता हूँ उससे। टीचर बालू, मैं तो मलेशिया में हूँ, तू कहाँ है? टू लेट अपार्टमेंट। कमाल है यार। ए, ये देख क्या है? क्या है? दीपिका का ग्लैमर फोटो छपा है। ए, किराए के घर का इश्तेहार है। ए, इस एरिया के अपार्टमेंट की काफी डिमांड है, एड आते ही एक घंटे में पूरा अपार्टमेंट बुक। चल के देख तो ले। ठीक है चल। सर, इस बिल्डिंग में 20 फ्लैट मेरे कंट्रोल में हैं। इसमें से यही बेस्ट है। इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक कंडीशन है, ऊपर के रूम में मत जाना। क्यों? उस रूम में ड्रग छुपा कर रखा है? जो कह रहा हूँ वो सुनो सर। ठीक है सर, यहाँ पर आंटी आइटम को ला सकते हैं। कभी कहा तुम्हारे बारे में सोचा था कुछ और, तुम निकले कुछ और, कमाल है। क्यों रवि कुमार, घर ओके है ना तुम्हारे लिए? हाँ एकदम ओके। डैनियल, आज जो बात कुमार को पता चली है वो कल किसी और को पता चले, इससे पहले खत्म कर दो उसे। क्या डैनियल, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम भूत प्रेत के नाम से कुमार की बातों पे पुलिस को यकीन नहीं तो भूत प्रेत के नाम से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरा मतलब है जाफर, कुछ दिनों के लिए अपना ठिकाना बदल दो। लेकिन एक कंडीशन है, ऊपर के रूम में मत जाना। क्यों? उस रूम में ड्रग छुपा कर रखा है? जो कह रहा हूँ वो सुनो सर। Thank you.
मैडम, मैडम चिल्ला क्यों रही है? कौन हो तुम? हाँ अभी बताते हैं। मैडम सिक्योरिटी, मैं फ्लैट का एडवांस देकर यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। क्या कहा? एडवांस? किसके घर के लिए किसको एडवांस दिया? ये मेरा घर है, चलो निकलो। मैंने कहा ना निकलो। सिक्योरिटी 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 कहाँ हो तुम? सुन यार। हाँ ए तुम अब तक गए नहीं? तुम चुप रहो। क्या यार ये बोलने के लिए तूने मिडनाइट को फोन किया है क्या? तुझसे नहीं कहा इसे कहा? मैं भी यही कह रहा हूँ, क्या हो गया? बाहर निकलो, जाओ। आप थोड़ी देर चुप रहो, यहाँ से जाओ। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ यार, थोड़ी देर मुझे परेशान मत कर प्लीज। ए यहाँ पर एक लड़की है जो मुझे सोने नहीं दे रही, टॉर्चर कर रही है। क्या लड़की? क्या बात कर रहा है यार? तुम अभी बाहर निकल रहे हो या नहीं? नहीं जाता, जाओ। ए लगता है तुझसे नहीं होने वाला, मैं आ रहा हूँ, मैं संभाल लूंगा। इज्जत से बाहर चले जाओ। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, तुम यहाँ से जाओ। ए, उसको जाने के लिए मत बोल, मत जाने दे उसको, मैं अभी आ रहा हूँ। सुन अरे कुमार, तूने तो कमाल कर दिया मेरे कुमार। तू किधर जा रहा है? वेयर आर यू? सुन कम टू मी डार्लिंग। कहाँ है मेरी डार्लिंग? ओ डार्लिंग, पतली कमर, मेरी जान। ओ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार, जल्दी बता देना कहाँ है वो। जब से तूने बोला है मुझे फीलिंग हो रही है यार। हाँ अरे बोलना कहाँ है वो, कहाँ है बोलना। ऊपर है, अच्छा ऊपर है, ऊपर मेरा वेट कर रही होगी। अरे मेरी पतली कमर कहाँ है? पूरी बॉडी का ब्लड गर्म हुआ जा रहा है, अगर वो मुझे मिल गई ना तो मैं उसको अपने बाहों में ऐसे भर कर चुम्मा दूंगा इस तरह। मैं इसे सच में दिखाई नहीं दे रही हूँ ना, या फिर ये भी तुम्हारे साथ मिलकर ड्रामा कर रहा है? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू वहाँ किससे बात कर रहा है? अरे वो बगल में तो खड़ी है। अच्छी तरह देख। मेरे सामने तो कोई नहीं है। अच्छा मुझसे मजाक कर रहा है क्या? किससे बात कर रहा था बोल। वो तुम्हें दिखाई नहीं देगी, वो अब सिर्फ मुझे ही दिखाई देगी। अरे बाप रे, कहीं तेरा मतलब वो है क्या? क्या वो चुड़ैल है क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना। अरे बाप रे मुझे बचाओ, अरे मुझे इस चुड़ैल से कोई बचाओ, मेरे भगवान मैं क्या करूं। अरे ओ भगवान आई आई ओ, डर के मारे मेरी भाषा भी बदल रही है। ए तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या हुआ मतलब? तुम्हारा नाम क्या है? नाम 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 मुझे मेरा नाम नहीं पता। बीमारी, एक्सीडेंट, या तुमने कोई सुसाइड अटेम्प्ट तो नहीं किया? सुसाइड अटेम्प्ट? यह हो सकता है लव फेलियर। लव फेलियर? तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हुई। किसने कहा कि मेरी मौत हो चुकी है? मैं मरी नहीं हूँ, मरी नहीं हूँ। मर गई हो? मरी नहीं हूँ। तुम मरी हुई हो? नहीं मैं मरी नहीं हूँ। मर गई? मैं नहीं मरी हूँ। जय काली महाकाली। अरे यार ये बाबा भूत प्रेत को भगाने में स्पेशलिस्ट है, इनके बाल और फ्रेंच दाढ़ी पर मत जा, ये बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। ढूंढिए स्वामी जी, ढूंढिए। तू इन लोगों को एक्सपर्ट कहते हैं, मुझे तो किसी ड्रामे के एक्टर लगते हैं। जो विग पहने वो सुपरस्टार, और जो गले में माला डाले वो जूनियर आर्टिस्ट। ए क्या हो रहा है ये सब? उससे कहो ये धुआं ना करे, वरना धुएं से पूरा घर काला हो जाएगा। ए ये भूत भगाने के एक्सपर्ट हैं। अभी बताती हूं। ए मुझे भूत समझ के तुम मुझे यहाँ से भगाने का नाटक कर रहे हो? मैं पूछकर बताता हूँ। ए भूत प्रेत की जितनी फिल्में हैं, माय डियर लीसा, 1920, द रिटर्न, चंद्रमुखी, कांचना, वैसे भूत भी इनके सामने कुछ नहीं है पता है। ए इन सब भूतों को भगाने वाले सुपरस्टार थे। इनके बारे में ठीक से बात कर, इनके रिकमेंडेशन से ही काबू में किया था जानता है। बड़ा आया बताने वाला, अब जरा चुप कर समझा। ए मैं भूत नहीं हूँ। हाँ तुम इसको बताओ तो ये यकीन कर लेगा। ए मैं यहाँ पर हूँ, तू वहाँ किससे बात कर रहा है? कौन है यहाँ पर? वही रात वाली लड़की। अबे क्या कर रहा है तू? स्वामी जी खतरनाक आत्मा है, इतने दिन
दिनों से तुम लोगों को परेशान कर रही थी ना, आज मैंने इसको पकड़ लिया है, अब ये परेशान नहीं करेगी। इधर आओ। हाँ बोलिए स्वामी जी। जैसा तुमने कहा था मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना। जब होगा तब डाल दूंगा स्वामी जी। अगर पैसे नहीं दिए तो भूत छोड़ दूंगा। ऐसा मत कीजिए स्वामी जी, मैं पैसे डाल दूंगा, जरूर डाल दूंगा। ए, वो बकवास कर रहा है, वो तो यहीं खड़ी है। अरे बाप रे, इधर ही खड़ी है। हे भगवान, हे भूतों की रानी, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, जिसने किया है उससे जाकर पूछ ले। एक तो पहले ही मैं दीवार पर चलने वाले छिपकली जैसा हूँ, और अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं उससे भी बेकार हो जाऊंगा। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, पता नहीं कहाँ से ये लड़की पैदा होकर भूत बन के घूम रही है। ए काली माँ काली मंत्र काली, ये क्या कर रहे तू? बचा ले मुझे, बचा ले माँ काली भद्र काली। ए तुम भूतों को देख सकते हो और मुझे यहाँ से भगाने के लिए ये सब कर रहे हो ना? अब मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे भगाते हो या मैं तुम्हें। देखते हैं